वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, लेवल ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर। तो जुलाई महीने के पूरे कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी जुलाई महीने में हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंक्लूडिंग बुक्स एंड ऑथर्स। सब चीज़ें जो भी जुलाई मंथ में इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों, फाइंड द बैंक विच हैज़ पार्टनर विद स्विगी टू लॉन्च इंडस्ट्री फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट डिजिटल वैलेट स्विगी मनी, राइट। तो पहला बैंक बताइए दोस्तों जिसने पार्टनरशिप की है स्विगी के साथ कि वो फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वैलेट स्विगी मनी जो है वो लॉन्च करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने रिसेंटली दोस्तों अभी पार्टनरशिप की है स्विगी के साथ कि वो अपना फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वैलेट जिसका नाम है स्विगी मनी उसको लॉन्च करेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे तो ICICI की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन हुई थी 1955 में, हेडक्वार्टर जो है इसका दैट इज़ इन मुंबई। MD और CEO की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ संजीव बख्शी, जो आपको याद रखना है ICICI के बारे में। स्विगी की बात करते हैं दोस्तों, स्विगी के CEO उनका नाम है दोस्तों श्री हर्षा मेजेटी, जिसका नाम याद रखिए। फॉर्म कब हुआ था ये? अगस्त 2014 में स्विगी की स्थापना हुई थी। तो ये था दोस्तों हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the MD of Indian Overseas Bank? तो Indian Overseas Bank के दोस्तों अभी हाल ही में अभी जो MD और CEO हैं वो अपॉइंट हुए हैं, तो आपको उनका नाम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्रथम प्रतिम सेन गुप्ता, राइट। प्रथम प्रतिम सेन गुप्ता, इन्होंने अभी दोस्तों रिसेंटली रिप्लेस किया है करनाम शेखर को। तो ये अभी अपॉइंट हुए हैं MD और CEO इंडियन ओवरसी बैंक के। अगर मैं स्टैटिक पॉइंट की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों इन्होंने सक्सीड किया है करनाम शेखर को, राइट, जो कि रिटायर हुए थे June 30 को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन चेन्नई, ये IOB की बात कर रहा हूँ दोस्तों। फॉर्म कब हुआ था IOB? दैट इज़ ऑन 10th February 1937 में इंडियन ओवरसी बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका जो टैगलाइन है दैट इज़ गुड पीपल टू ग्रो विद, इसकी टैगलाइन भी आपको याद रखनी है। और ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास वो है, गुडनी जोनसन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो गुडनी जो जोनसन है इनको भी रिसेंटली री इलेक्ट किया गया है, प्रेजिडेंट बनाया गया है फिर से किसी कंट्री का। तो आपको उसका नाम बताना है कि वो कौन सी कंट्री के नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आइसलैंड। तो आइसलैंड के हाल ही में री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट जिसका नाम है गुडनी जोनसन, आपको याद रखना है। आइसलैंड की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल है इसकी रेकिजेविक, ये आपको याद रखना है। करेंसी की बात करूं दैट इज़ आइसलैंडिंग करोना, ISK इसको बोला जाता है। तो ये आपको दोनों पॉइंट जो है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, हमारे पास जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट अंपायर टू एंटर द ICC लाइट पैनल। तो यंगेस्ट अंपायर कौन बने हैं जिन्होंने ICC लाइट पैनल को दोस्तों एंटर किया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है दैट इज़ नितिन मेनन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो नितिन मेनन जी ने हाल ही में जो है दोस्तों ICC लाइट पैनल जो है उसको मतलब ज्वाइन किया है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों ICC की, तो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन दुबई UAE। प्रेसिडेंट इनके जो पहले थे दोस्तों दैट इज़ शशांक मनोहर, इनको अभी दोस्तों इन्होंने अभी मतलब ये प्रेसिडेंट से उतर चुके हैं, तो इसलिए इंटरिम प्रेसिडेंट जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे जुलाई महीने में ही, वो भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इमरान ख्वाजा जो थे इंटरिम प्रेसिडेंट हैं अभी इस टाइम पर, याद रखना आपको। शशांक मनोहर पहले प्रेसिडेंट थे इसके ICC के, बट इन्होंने अभी दोस्तों रिज़ाइन कर दिया, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजिशन इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो भारत का कौन सा रैंक है दोस्तों दुनिया में इन टर्म ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पांचवा रैंक। तो भारत का कौन सा रैंक है दोस्तों? पांचवा रैंक है, आपको याद रखना है। अगर बात करूं चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड, रशिया और उसके बाद आता है भारत फिफ्थ नंबर पे। इससे पहले अगर बात करूं कौन कौन है, दैट इज़ चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड,
रशिया, ठीक है, और उसके बाद आता भारत। और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो निकाला था दोस्तों, ये किसने निकाला था, दैट इज़ IMF, एज पर IMF बोल सकते हो, IMF के अनुसार ये रैंकिंग जो है ये दी गई है। तो IMF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, दैट इज़ एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो IMF की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, दैट इज़ इन वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके MD जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, जो इसके MD हैं, ये आपको याद रखना है, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सक्सीडिंग शशांक मनोहर, जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि शशांक मनोहर जो है उनको अभी सक्सीड कर लिया गया है, अभी मतलब इन्होंने ये रिटायर हो चुके थे, तो इनकी जगह पे अभी एक इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक ICC को वो संभालेंगे एज ए प्रेसिडेंट के चेयरमैन के रूप में। तो दोस्तों उनका नाम क्या है, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, इमरान ख्वाजा, जो कि आपको याद रखना है। ICC का हेडक्वार्टर अभी हमने पीछे डिस्कस किया, दैट इज़ इन दुबई, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बलराम स्कीम टू प्रोवाइड क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है, तो किस स्टेट ने हाल ही में दोस्तों बलराम स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है, ताकि वो 7 लाख लैंडलेस फार्मर जो है उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। तो आपको इसका सही उत्तर है, दैट इज़ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो उड़ीसा की सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में ये जो मतलब स्कीम है इसको लॉन्च किया है, बलराम स्कीम का नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ बलराम स्कीम। उड़ीसा की अगर दोस्तों बात करते हैं, दैट इज़ कैपिटल कहाँ पे, इसकी भुवनेश्वर में है, चीफ मिनिस्टर दैट इज़ नवीन पटनायक इसके CM है, गवर्नर की अगर बात करता हूँ तो गणेशी लाल इसके गवर्नर हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे याद रखने हैं आपको। उड़ीसा डे कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा डे मनाया जाता है। उड़ीसा की हाइएस्ट माउंटेन रेंज दैट इज़ दियोमली हिल्स, जो कि इसकी हाइएस्ट रेंज है। फोक डांस जो यहाँ का है उड़ीसा का, दैट इज़ काउ डांस, आपको याद रखना है। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो है कटक, कटक हाई कोर्ट है दोस्तों स्टेट का सबसे बड़ा। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कितनी है उड़ीसा की, वो है 30 डिस्ट्रिक्ट, तो टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा में, और ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8th की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8th भी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8th है हमारे पास दोस्तों वो है, Who has authored the book title Future of Higher Education 9 Megatrends? तो मैंने आपको जैसे बोला था कि हम जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो सारे डिस्कस किए करेंगे, तो किसने ये बुक लिखी है, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 Megatrends, तो ये बुक लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बी पताबीर राम, राइट, बी पताबी राम के द्वारा ये बुक जो है ये लिखी गई है, और इसको ये लॉन्च किया गया है, ये हमारे 22 प्रेसिडेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिनका नाम है M. वेंकैया नायडू। तो आपको याद रखना है, M. वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इस बुक को लॉन्च किया गया, तो बी पताबी राम जी ने ये बुक लिखी थी, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 Megatrends, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, विच नेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्पाई सैटेलाइट, तो किस नेशन ने दोस्तों हाल ही में एक नई स्पाई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसराइल। तो इसराइल के द्वारा एक नई स्पाई सैटेलाइट जो है ये लॉन्च की गई है। तो अगर मैं इसके स्टैटिक पॉइंट की बात करता हूँ, इसराइल की कैपिटल दैट इज यरूशलेम इसकी कैपिटल है, करेंसी जो है इसकी दैट इज दोस्तों इसराइल शकेल इसकी करेंसी है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच स्टेट UT हैज लॉन्च्ड पढ़ो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है, तो क्या है, दैट इज पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्लांट ट्रीज सेव इन्वायरमेंट कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो किस स्टेट के द्वारा हाल ही में ये कैंपेन चलाया गया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। तो न्यू दिल्ली स्टेट के द्वारा अभी ये जो पौधे लगाओ कैंपेन है पर्यावरण बचाओ इसको स्टार्ट किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ चलते हैं दोस्तों, इंडिया GDP विल कॉन्ट्रैक्ट बाई -% इन फाइनेंशियल ईयर एज पर केयर रेटिंग। तो एज पर केयर रेटिंग के अनुसार भारत की GDP कितने परसेंट दोस्तों कम होगी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 6.4% जो है भारत की रेटिंग जो है वो कम होगी एज पर केयर रेटिंग बता रहा हूँ मैं। तो याद रखना, बहुत सारी रेटिंग्स आगे आएंगी, अलग अलग की अलग अलग अनुमान लगाया है, तो ये सभी आपको याद रखना, ये दी गई है केयर रेटिंग के द्वारा, राइट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन विद एलपीजी कनेक्शंस इन ऑल द हाउस होल्ड. तो भारत की ऐसी कौन सी एकमात्र स्टेट बनी है जिसमें हर एक घर में जो है एलपीजी कनेक्शन जो है वो हो चुका है. तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश. राइट, तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों एकमात्र ऐसी स्टेट बनी है जिसमें हर एक घर में जो है एलपीजी कनेक्शन जो है वो पहुँच चुका है. हिमाचल प्रदेश की स्टैटिक पॉइंट की बात करता हूँ तो कैपिटल दो हैं इसकी, समर कैपिटल विंटर कैपिटल. समर है शिमला और धर्मशाला जो है इसकी विंटर कैपिटल है. हिमाचल प्रदेश को दोस्तों जो स्टेटहुड का टाइटल मिला था, स्टेटहुड इसको जब बना था दैट इज़ ऑन 25th of January 1971. कुल डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पे वो हैं 12. चीफ मिनिस्टर जो जहाँ के हैं दैट इज़ जयराम ठाकुर, जो आपको याद रखना है. और गवर्नर यहाँ पे कौन है, दैट इज़ बंदरू दत्तात्रेया. ठीक है, दत्तात्रेया जो कि यहाँ के क्या है गवर्नर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको बताना है हु हैज़ बीन, ये यहाँ पे हु है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFCA. तो IFCA के अभी हाल ही में जो चेयरमैन हैं वो अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको बताना है. तो उनका नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इन जेति श्रीनिवास. तो इन येति श्रीनिवास अभी हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के. स्टैटिक पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये सेंटर गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया था ताकि ये रेगुलेट कर सके फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स विद, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, दैट इज़ इन गांधीनगर. तो ये आपको याद रखना है. राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के 14th क्वेश्चन की तरफ. जो हमारा 14th क्वेश्चन है वो है विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस सीकिंग 75% रिजर्वेशन फॉर द लोकल यूथ इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो किस स्टेट की कैबिनेट ने दोस्तों एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस जो है उसको अप्रूव किया जिसमें 75% रिजर्वेशन जो है वो लोकल यूथ को दी जाएगी इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका सही उत्तर जो होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, हरियाणा. ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा. हरियाणा के यूथ जो है दोस्तों अभी रिसेंटली उसमें ये ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें 75% रिजर्वेशन जो होगी वो यूथ को होगी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की एक ही है. चीफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ श्री मनोहर लाल खट्टर. गवर्नर की बात की जाए दैट इज़ सत्यदेव नारायण आर्य. हरियाणा डे का मनाया जाता है 1 नवंबर को, हरियाणा डे मनाया जाता है. हरियाणा की हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज़ दोस्तों क्रो पीक. राइट, हाईएस्ट हाई कोर्ट है जो पंजाब और हरियाणा का वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है. और डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं हरियाणा में, दैट इज़ कुल 22 जिले, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में, ये आपको याद रखना है. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों. देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल सून गेट नेशनल पार्क स्टेटस, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट. ठीक है दोस्तों, तो देहिंगई पटकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको भी बहुत जल्दी जो है दोस्तों एक नेशनल पार्क का जो दर्जा है वो मिल जाएगा. तो ये मतलब कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये पूछा गया है. तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ असम. तो असम में जो है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है. चलो असम की स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं, कब फॉर्म हुई थी, दैट इज़ ऑन 26 जनवरी 1960 में जो है असम स्टेट का गठन हुआ. राइट, कैपिटल की बात करते हैं, दिसपुर इसकी कैपिटल है. गवर्नर है दैट इज़ जगदीश मुखी. चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, दैट इज़ सर्वनंदा सोनोवाल जो है यहाँ के CM है, आपको याद रखना है असम के. चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंडिया हैज़ रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स. तो भारत का कौन सी पोजीशन आई है इन ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जिसको हम ग्रेटी भी बोलते हैं. तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 34. तो भारत का जो रैंक आया दैट इज़ 34 रैंक आया. और ये जो हुआ है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू JLL. JLL क्या है दोस्तों, JLL है दोस्तों दैट इज़ जॉन्स लैंग लैसले. राइट, ये देखो जॉन्स लैंग लैंगसले के अनुसार ये एक ट्रैकिंग रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी जो कि ये ट्रैक करता है हर बार रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी को, 1999 से ये ट्रैक करता आ रहा है. और अभी ये 11th एडिशन था इसका जिसमें इसने 99 कंट्रीज और टेरिटरीज को कवर किया है और 163 सिटी रीजन्स को कवर किया है. तो ये आपको याद रखना है. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं. विच स्टेट इज़ गोइंग टू होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम. तो कौन सी स्टेट है जो भारत की जो भी 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का 2021 में होस्ट करेगी. तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा.
तो हरियाणा स्टेट दोस्तों 2021 में फोर्थ एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का होस्ट करेगी, ये आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों जो मिनिस्टर थे स्टेट ऑफ यूथ अफेयर के और स्पोर्ट्स के जिनका नाम है किरण रिजिजू और साथ में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हरियाणा फोर्थ एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का मतलब होस्ट करेगी 2021 में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अब ये गेम्स जो होंगी ये होंगी पंचकुला में जो कि हरियाणा में है। स्टार स्पोर्ट्स जो होगा इसका ऑफिशियली ब्रॉडकास्टर पार्टनर होगा, जो जैसे कि जो पिछले साल था। ठीक है, तो अभी जो गेम है ये दोस्तों 2021 जो टोक्यो ओलंपिक्स होंगी उसके बाद ये गेम्स जो हैं ये होंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है जो हमारे पास वो है, हु ऑथर द बुक टाइटल द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। दोस्तों हम बुक सारी कवर करेंगे इसमें, तो कौन सी बुक है, किसने लिखी है ये बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एस जयशंकर। एस जयशंकर के द्वारा ये जो बुक है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड ये लिखी गई है। अब ये जो एस जयशंकर हैं ये हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस बुक को दोस्तों पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिंस के द्वारा, इंडियन पब्लिकेशन है ये एक, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे पास वो है, नेम द पर्सन हु रिटन द बुक नेम्ड क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो किसने ये बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर द रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो किसने ये बुक लिखी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वायरल वी आचार्य। ठीक है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों ये बुक लिखी है, तो ये बुक को पब्लिश जो किया है दैट इज सेग पब्लिकेशन ने ये बुक को पब्लिश किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, नेम द मोबाइल ऐप विच वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हर्षवर्धन। तो उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए ये दोस्तों जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मौसम उस एप्लीकेशन का नाम है, राइट, जो कि एक वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन है जो कि हर्षवर्धन जी के द्वारा जो है अभी लॉन्च किया गया 14th फाउंडेशन डे पे। हर्षवर्धन जी ने इस ऐप को जो है लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें बहुत सारे जो पर्सन थे जिन्होंने इसके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इसके डिज़ाइन किया और डेवलप किया साथ में, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हो गया, डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ टीम, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे और साथ में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इन सभी ने मिलकर जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का जो 21वां क्वेश्चन है हमारे पास वो है, विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ फ्री वेबसाइट पोर्टल नेम्ड रोजगार बाजार फॉर जॉब सीकर्स एम्प्लॉयर्स। तो किस स्टेट या यूटी ने ये अभी लॉन्च किया है रोजगार बाजार जो कि जॉब सीकर है एम्प्लॉयर्स के लिए, तो इस पोर्टल का नाम आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, इसकी साइट है दोस्तों दैट इज़ http://jobs.delhi.gov, जो कि रोजगार बाजार के नाम इसको दिया गया है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अरविंद केजरीवाल ने ये लॉन्च किया ये साइट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं दोस्तों। जियानू 303 इज़ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों ये जो सैटेलाइट है ये कौन सी कंट्री की है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ चाइना। तो चाइना की ये सैटेलाइट है, इसको चाइना की एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है और इसको स्पेस में भेजा जाएगा लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट के जरिए फ्रॉम ताइनू सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं दोस्तों। हिची मिची हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो हिची मिची जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो इसका ये सही उत्तर होगा दैट इज़ ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया के ये अभी रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। ट्यूनिशिया की अगर कैपिटल की बात करता हूँ तो कैपिटल है उसकी तुनिस, और ये कंट्री जो पड़ती है नॉर्थ अफ्रीका में, ये कंट्री पड़ती है, करेंसी है जो उसकी दोस्तों दैट इज़ ट्यूनिशियन दिनार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको इसके बारे में याद रखने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 24 है, नरेंद्र सिंह तोमर इनॉगोरेटेड द वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एट बी स्टेट। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली जो कि मतलब नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करूँ तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के। तो इनके द्वारा अभी दोस्तों एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो स्टार्ट की गई है। तो इन्होंने कहाँ पर उसको एस्टेब्लिश किया, तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात में ये जो लैब है इसको दोस्तों इनॉगरेट किया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो पहली गवर्नमेंट हनी टेस्टिंग लैब है भारत की, आपको याद रखना है। और इस टेस्टिंग लैब को इस्टेब्लिश किया गया है भाई NDDR दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन अनंत गुजरात में विद द सपोर्ट ऑफ NBB की सपोर्ट से, दैट इज नेशनल बी बोर्ड की सपोर्ट से इसको इस्टेब्लिश किया गया। 25वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, मकदमीस्तान प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट यूटी रिसेंटली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मकदमीस्तान जो एक प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है किसी स्टेट और यूटी में, ये कौन सी स्टेट और यूटी में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है वहाँ पे अभी रिसेंटली ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि जितने भी वहाँ पे रोड्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। और इसको जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है, द इंडियन नेवी लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वॉज इनॉगरेटेड ऑफ एट इंडियन नेवल अकेडमी लोकेटेड एट विच स्टेट। तो भारत की नेवी जो है उसके द्वारा भी एक सोलर पावर प्लांट जो है इनॉगरेट किया गया है इंडियन नेवल अकेडमी में, जो कि कौन सी स्टेट में स्थित है आपको बताना है। तो इसका ये सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर एक, केरला। तो केरला में दोस्तों अभी रिसेंटली ये इंडियन नेवी ने लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है इसको इनॉगरेट किया है इंडियन नेवल अकेडमी में, आपको याद रखना है। केरला की बात करूँ तो कैपिटल है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। फॉर्म कब हुई थी केरला स्टेट, दैट इज़ 1 नवंबर 1956 को इसको फॉर्म किया गया। डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल 14। इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इसकी, दैट इज़ 10.084:1000। सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है त्रिपुरा के बाद, आपको याद रखना है। और यहाँ के CM है दैट इज़ पिनरया बिजयाना, और गवर्नर यहाँ पे कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, आपको याद रखने हैं ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं दोस्तों, द MSME मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च बिच पोर्टल फॉर MSME रजिस्ट्रेशन। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है MSME रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पोर्टल का नाम बताना है। तो इसका पोर्टल का नाम ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, दैट इज़ उद्यम, ठीक है। उद्यम पोर्टल है दैट इज़ फॉर MSME रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनररी एडवाइज़र फॉर ब्रिक्स CCI। अब CCI क्या होता है दोस्तों, CCI है दैट इज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI। तो दोस्तों किसके द्वारा अभी ब्रिक्स CCI जो है ये उन्होंने अपॉइंट किया है एडवाइज़र, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों साहिल सेठ को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ब्रिक्स के एडवाइज़र। तो ब्रिक्स की बात करता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज में शामिल हैं, दैट इज़ ब्राज़ील, उसके बाद आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्रीज़ जो हैं इसमें शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु ऑथर द बुक टाइटल द एंड गेम। तो एंड गेम दोस्तों ये जो बुक है ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एस हुसैन येदी जी के द्वारा ये जो बुक है द एंड गेम इसको लिखा गया है, राइट। अब ये एस हुसैन येदी हैं, ये बेसिकली इनको एक क्रिमिनल क्राइम राइटर जाना जाता है, और रिसेंटली इन्होंने एक नॉवल लिखी है द एंड गेम, ठीक है। और इसको जो पब्लिश किया गया है ये भी पर कॉलिंस भारत के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं दोस्तों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फोटो बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। तो कौन है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के ऑथर, जो कि एक फोटो बुक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टीव वॉग। तो स्टीव वॉग इसका राइट आंसर होगा, और ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
द पाई अप्रोक्सीमेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट, तो जो पाई अप्रोक्सीमेशन डे है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है, राइट तो किस दिन मनाते हैं दोस्तों इसको, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 22 को, हर साल 22 जुलाई को जो है अप्रोक्सीमेशन डे पाई का जो है मनाया जाता है। और पाई को डोनेट कैसे करते हैं, ऐसे करके पाई, आपने देखा ही होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है 22.7, जिसको हम बाद में बोलते हैं 3.14, राइट, इसको सॉल्व करने के बाद ये इसकी वैल्यू आती है दोस्तों। एक्चुअली इसको जो पाई डिनोट करते हैं ये रिलेशनशिप होता है बेसिकली सर्कल के सर्कमफ्रेंस का और उसके रेडियस का, राइट, तो ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इसको मैथमेटिकली कॉन्स्टेंट इसका पाई ऐसे होता है, राइट, उसके बाद इसको जो है कैजुअली पाई डे बोला जाता है 22 जुलाई को, और पाई को डिनोट जो करते हैं वो रिलेशनशिप होता है एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर के बीच में, और इसको डिनोट करते हैं फ्रैक्शन जो इसकी होती है जो मैंने आपको बताई 22.7, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 ये अप्रॉक्सीमेटली ये बताता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। हु लॉन्च प्लेटफॉर्म नेम्ड रीस्टार्ट इंडिया टू सपोर्ट MSME सेक्टर, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किसने जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रीस्टार्ट इंडिया, राइट, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नितिन गडकरी जी के द्वारा ये जो रीस्टार्ट इंडिया नाम का प्लेटफॉर्म है इसको स्टार्ट किया गया। तो नितिन गडकरी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के, उन्होंने ये रीस्टार्ट इंडिया इसको लॉन्च किया। ये वेबसाइट है इसकी www.restartindia.com, तो जो कि एक मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इट वाज इनिशिएटेड जॉइंटली बाय मुथूट फिनकॉर्प एंड INK टॉक्स टू सपोर्ट द MSME सेक्टर टू रीस्टार्ट द बिजनेस अक्रॉस द नेशन, तो ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में बताया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। हु लॉन्च द ऐप नेम्ड प्रवासी रोजगार टू हेल्प माइग्रेंट्स फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटी, तो प्रवासी रोजगार बेसिकली दोस्तों माइग्रेंट्स के लिए, जो कि बेचारे लोग जो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज जो फाइंड करना चाहते हैं उनके लिए ये दोस्तों, तो ये किसके द्वारा ये जो है ऐप जो है लॉन्च की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, सोनू सूद जी के द्वारा भी ये एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हु ऑथर द बुक टाइटल द पेंडेमिक सेंचुरी, अब जो पेंडेमिक सेंचुरी नाम की किताब है ये किसके द्वारा जो है ये लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, दैट इज़ ऑप्शन नंबर आपका सी, मार्क होंगिस बॉम, ठीक है, मार्क होंगिस बॉम के द्वारा ये जो बुक है ये लिखी गई है, और इसको जो पब्लिश किया गया है वो पेंगुइन पब्लिशर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट बुक। क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन वाज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड एनुअली, तो आपको बताना है कि जो ब्रॉडकास्टिंग डे है इसको कब मनाया जाता है हर साल, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आपका, जुलाई 23 को हर साल नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 1972 को बॉम्बे स्टेशन में, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, वहाँ पे इसको ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसी डे के लिए दोस्तों ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है हर साल एनुअली जो है जुलाई 23 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। व्हाट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ सिंगापुर बेस्ड डीवीएस बैंक, राइट, तो सिंगापुर बेस्ड जो डीवीएस बैंक है उसके अनुसार भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 21 में कितनी होगी, राइट, तो दोस्तों ये भी कॉन्ट्रैक्ट ये माइनस सिंबल शो करता है कि कम हो रही है, तो इसलिए मैंने माइनस सिंबल लगाया कि मतलब ये कम हो रही है, ठीक है, आप समझ आना यहाँ से, तो माइनस का मतलब हो रहा है कम हो रही है, तो कितना कम हो रही है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर आपका सी, तो मतलब -6 जो है इसका सही आंसर होगा, तो -6% मतलब 6% जो है कंट्रैक्ट हो रही है, मतलब कम हो रही है, श्रिंक हो रही है, राइट, तो इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है 6% कम हो रही है मतलब फाइनेंशियल 21 में, और ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज की गई है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के द्वारा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताइवान फर्स्ट इज द मार्स मिशन ऑफ विच कंट्री, तो ताइवान फर्स्ट जो है मार्स मिशन है कौन सी कंट्री का, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका, ये चाइना का मार्स मिशन है, तो आपको ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट वाई डैश इन फाइनेंशियल 21 एज पर एस्टिमेशन ऑफ नोमूरा, देखो नोमूरा जो है बेसिकली एक जापान की कंपनी है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसके अनुसार अभी ये भी बता रहा है कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी, पर ये कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है दैट इज़ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दैट इज 6.1%, ठीक है। तो अभी हम क्या डीवीएस के बारे में पढ़े थे, तो डीवीएस बताता है कि 6% क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी, अभी नोमूरा बताता है 6.1% जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी। एक केयर रेटिंग के बारे में पढ़ा था पहले, वो 6.4% बताता था, ठीक है, तो ये सब रेटिंग्स जो है आपको याद रखनी है। नोमूरा होल्डिंग की बात करूँ तो ये एक जापानीज ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड COO स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है ना दोस्तों, ये एक बेसिकली सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसको ये मत बोलना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO अपॉइंट हुए, बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO अपॉइंट हुए। तो कभी भी इसे वैसे मर्ज मत कर देना। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका, प्रकाश चंद्रा कंडपल। तो प्रकाश चंद्र कंडपल जी जो है अभी MD और CEO अपॉइंट हुए हैं SBI के जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। हेडक्वार्टर की बात करता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसका किसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज़ इन मुंबई। ये फॉर्म कब हुआ था, 2009 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चेयरपर्सन जो स्टेट बैंक के हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, और इसका हेडक्वार्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, दैट इज़ इन मुंबई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म हुआ 1 जुलाई 1955 को, उससे पहले ये क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन जो हैं दोस्तों, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, तो कौन अपॉइंट हुए हैं, दैट इज़ संजीव बजाज इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करता हूँ, तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, तो ये आपको याद रखना है। तो पता लगी क्या चेयरमैन, दैट इज़ संजीव बजाज, अभी अपॉइंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं दोस्तों। वी स्टेड यूटी कैबिनेट अप्रूव्ड द डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो है, ये एक डोर स्टेप यू डिलीवरी है, ये किस स्टेट में स्टार्ट हुआ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर आपका सी है, दिल्ली। तो दिल्ली में ही ये जो योजना है ये स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फैमपे पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि फैमपे ने अभी रिसेंटली जो है किसके साथ पार्टनरशिप की है, और मतलब पार्टनरशिप करने के बाद पहला नंबरलेस कार्ड जिसका नाम है फैम कार्ड, उसको लॉन्च किया। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जो है दोस्तों, इसके साथ मिलकर अभी फैमपे ने दोस्तों अभी इंडियाज़ फर्स्ट कार्डलेस कार्ड, नंबरलेस कार्ड जो है लॉन्च किया, जिसका नाम है फैम कार्ड। हेडक्वार्टर की बात करता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक की, दैट इज़ इन मुंबई। MD और CEO कौन है, दैट इज़ वी विद्यानाथन। तो ये इसके MD और CEO हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ करूर ब्यास बैंक। तो करूर ब्यास बैंक के दोस्तों MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ रमेश बाबू बोधू को हाल ही अभी रिसेंटली MD और CEO अपॉइंट किया गया है करूर ब्यास बैंक के। अगर मैं इसकी बात करता हूँ हेडक्वार्टर की, तो करूर में है, ये तमिलनाडु में है। उसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दैट इज़ स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक है, टैगलाइन क्या है इसकी, स्मार्ट वे टू बैंक। अभी हम एक वीडियो और लेके आएंगे, मतलब जिसमें हम सारी की सारी लेटेस्ट एक तो हमने अपलोड की हुई है, दैट इज़ बैंकिंग के रिलेटेड, बट अभी वो काफ़ी ज़्यादा उसको अपडेट करने वाला हो चुका है। तो अभी हम एक नई अपडेटेड वीडियो लेके आएंगे रिलेटेड टू बैंकिंग, ठीक है, जिसमें हम सारे MD CEO राइट डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैंक टैग लाइन्स हर एक चीज़ उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें, अगर आप मतलब नहीं आपको समझ आ रहा है सारी चीज़ें, नहीं आपको याद रह रही, तो उसमें हम जब ये करवाएंगे ना, वो सारी की सारी आपको याद रहेंगी। ठीक है, वो एक वीडियो में पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अनासिस सेकंड जो कि मिलिट्री कम्युनिकेशन सेटेलाइट है किस कंट्री की, ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सी कंट्री की ये मिलिट्री सेटेलाइट है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ साउथ कोरिया की ये पहली मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये आपको याद रखना है, और उसका नाम क्या है, अनासिस सेकंड। अब साउथ कोरिया की अगर बात करता हूँ, तो कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी, सियोल। करेंसी की बात करता हूँ, दैट इज़ साउथ कोरियन बोन। और अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ, तो क्या नाम है उनका, मून जेइन इनके क्या है, प्रेसिडेंट है, ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच स्टेट कैबिनेट गेव अप्रूवल टू समाधान से विकास ए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो बेसिकली एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, जितने भी ड्यूज पेंडिंग होते हैं उसको पूरा करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, समाधान से विकास स्कीम एक लॉन्च की है। तो किस स्टेट ने की कैबिनेट ने ये अप्रूवल दी है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका, दैट इज़ हरियाणा। तो हरियाणा का स्टैटिक पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हरियाणा का स्टैटिक पार्ट डाला नहीं, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा ज़्यादा। तो हम जल्दी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं इसमें, इसलिए हमने कुछ मतलब वो चीज़ नहीं डाली जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डालते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन नेवी कैरिड आउट पैसेज एक्सरसाइज जिसका नाम है पैसेक्स विद द नेवी ऑफ विच कंट्री नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो ये तो पता लग गया कि पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में हुई है, और भारत और किसके बीच में हुई है, दोस्तों दैट इज यूनाइटेड स्टेट,
भारत और यूएस के बीच में ये जो पैसेक्स है, जो कि एक मतलब नेवी की से एक्सरसाइज है, ये हुई है अंडमान और निकोबार में, याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप 2023। तो कौन सी कंट्री है जो अभी ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप 2023 जो है वो होल्ड करेगी? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ भारत। तो ODI है मतलब 50 ओवर गेम है, राइट। तो 50 ओवर की गेम, देखो ODI की अगर मैं बात करता हूँ ना, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है ये, ठीक है, तो ये हर 4 साल बाद होता है। कितने साल बाद होता है? 4 ईयर के बाद होता है। अभी 2023 में, तो पहला कब हुआ था? 2019 में। तो 2019 में कौन जीता था? ये इंग्लैंड जीता था, राइट। अभी 2023 में होगा तो होस्ट कौन करेगा? भारत होस्ट करेगा। तो ये आपको याद रखना है, हर 4 साल बाद ICC का वर्ल्ड कप होता है ODI का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन रेलवे प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन वाई विच ईयर? तो भारतीय रेलवे ने अभी प्लान किया कि वो फर्स्ट सेट जो प्राइवेट ट्रेन का है वो कौन से साल में लॉन्च करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 2023 में इसका सही आंसर होगा। 2023 में इसका जो है दोस्तों फर्स्ट सेट जो है वो लॉन्च होगा। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो अभी 151 टोटल ट्रेन्स जो है ना, प्राइवेट ट्रेन्स, उसको मतलब लॉन्च करना है, सेट बाई सेट लॉन्च करना है। 109 पेयर ऑफ रूट्स में इसको लॉन्च करना है और 2027 तक इसको लॉन्च करना है, ठीक है। अभी इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस की हैं 12 ट्रेन्स। कितनी ट्रेन्स बोल रहा हूँ? 12 प्राइवेट ट्रेन्स जो कि 2023 तक इंडियन रेलवे को पूरी करनी है, इसको लॉन्च करना है। उसके बाद 45 में एक सेट आएगा, अनदर सेट, जो कि 2024 तक इंडियन रेलवे को पूरा करना है। अनदर सेट आएगा 50 का, 2026 में वो मतलब उसको पूरा करना है, 50 प्राइवेट ट्रेन्स। उसके 44 जो आएंगी प्राइवेट ट्रेन्स लास्ट में, उसको 2027 तक इसको पूरा करना है, जिसमें जो टोटल 151 ट्रेन्स आती हैं प्राइवेट ट्रेन्स, ठीक है, 2027 में ये कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें पूरी इन्वेस्टमेंट जो लगती है ना वो लगती है 30,000 करोड़ की इस प्रोजेक्ट में। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर अंडर मधुबाबू पेंशन योजना? तो किस स्टेट की गवर्नमेंट ने अभी दोस्तों ट्रांसजेंडर को मधुबाबू पेंशन योजना में इंक्लूड किया है? तो अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ओडिशा। तो ओडिशा में ये किया है दोस्तों। तो ओडिशा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। भुवनेश्वर कैपिटल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा डे 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा की हाइएस्ट माउंटेन दैट इज़ देवमली हिल्स। फोक डांस है दो यहाँ का, दैट इज़ काउ डांस। उड़ीसा की हाई कोर्ट की बात करता हूँ तो कटक हाई कोर्ट जो कि स्टेट का है। उसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? दैट इज़ कुल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा में, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड? तो पहले हमने SBI के जनरल इंश्योरेंस की बात की थी, तो अभी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में इसके MD और CEO अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों अश्विनी कुमार त्रिवेदी। स्टेट बैंक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम द फर्स्ट वेस्ट एशियन एंड अर्व नेशन विच लॉन्च स्पेस मिशन टू मार्स। तो पहला वेस्ट एशियन और अर्व नेशन कौन सा है जिसने स्पेस मिशन टू मार्स जो है वो लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, UAE, ठीक है, यूनाइटेड अर्ब एमिरेट्स ने अभी लॉन्च किया। तो स्टैटिक पॉइंट देखते हैं, इस मिशन का जो नाम है दैट इज़ इन्होंने नाम दिया, दैट इज़ इसको नाम है होप, और इसको और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ अल अमल, ठीक है, अल अमाल भी इसको बोला जाता है और होप भी इसको बोला जाता है। अगर मैं UAE की कैपिटल की बात करूँ तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है। करेंसी यू यहाँ की है, दैट इज़ दिरहम, ठीक है, दिरहम यहाँ की करेंसी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बोर्न Formula 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 दोस्तों Formula 1 किसने जीता है? तो ये आपको लग ही रहा होगा, तो इसका सही उत्तर वही है, दैट इज़ लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने अभी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जो है Formula 1 में वो जीता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक बुक है, हु ऑथर द बुक टाइटल सूरज कदे मरदा नहीं? सूरज कदे मरदा नहीं एक पंजाबी में है, जो मतलब जिसका मतलब होता है सन नेवर डाइज। तो किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सिंह सड़कनामा जी के द्वारा ये बुक जो है ये लिखी गई है। और इस बुक को जो पब्लिश किया गया है वो यूनिस्टार बुक्स के द्वारा पब्लिश किया गया है, तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेम द मोबाइल ऐप विच हैज़ हेल्ड बाई यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन
टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल। तो इंडियन टर्टल की कंजर्वेशन के लिए यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर जी के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है। तो उसका नाम जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर एक, कुर्मा उसका नाम है। तो ये नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडियन टर्टल्स की कंजर्वेशन के लिए प्रकाश जावेदकर जी के द्वारा ये ऐप जो है मोबाइल ऐप ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बोर्न जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड। 19 का बताना है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जो है जगजीवन किसने जीता है। तो सही उत्तर जो होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ टी पुरुषोत्तमन जी ने अभी जगजीवन इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जीता है। तो ये आपको याद रखना है राइट, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्कीम इंपॉर्टेंट है। मतलब जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इस मंथ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वही हैं, ठीक है, उन्हीं में से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड स्मृति वन ऑन द ओकेशन ऑफ हरेला फेस्टिवल। तो हरेला फेस्टिवल के ओकेशन पे एक स्मृति वन जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। तो किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्मृति वन जो है इनॉग्रेट किया गया है हरेला फेस्टिवल पर, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून फॉर्म कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन। डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सीएम है इसके तरविंदर सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 57th क्वेश्चन। व्हेन वाज डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो इंटरनेशनल डे जो क्रिमिनल जस्टिस का है ये कब मनाया जाता है हर साल, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जुलाई 17। 17 जुलाई को हर साल जो है ये मनाया जाता है, कहाँ गया ये रहा, 17 जुलाई को हर साल ये मनाया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 58 क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनेम। तो सूरीनेम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो इसके हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है दोस्तों दैट इज चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी। तो ये उनका नाम है पूरा, तो ये आपको याद रखना है, चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी उसका नाम है राइट, उनके प्रेसिडेंट का नाम है सूरीनेम, जो कि साउथ अमेरिका में कंट्री पड़ती है उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियन रेलवे का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज जिसका नाम है अंजी खड़ ब्रिज, ठीक है, क्या नाम है इसका, अंजी खड़ ब्रिज, आपको याद रखना है, ये कौन सी स्टेट या यूटी में है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट रेल ब्रिज है ये, बेसिकली रेल ब्रिज है, केबल से बना हुआ है, अंजखड़ी ब्रिज जिसका नाम दिया गया है। तो कौन सी स्टेट है यूटी में है, तो ये है हमारी यूटी में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में है ये स्थित, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, फाइंड द स्टेट विच प्लान टू अपग्रेड पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इंटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पोबा रिजर्व जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको अपग्रेड करना है दोस्तों, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सॉरी वैसे पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है। तो ये कौन सी स्टेट में स्थित है ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा दोस्तों असम, ऑप्शन नंबर ए। तो असम के सीएम कौन है, दैट इज़ सर्वानंदा सोनोवाल, इसके सीएम है, ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट, हर एक चीज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हाल ही में नए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो एक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अशोका लवासा जी जो हैं वहाँ के जो है वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एडीबी के। एडीबी के हेडक्वार्टर की बात करता हूँ तो कहाँ पे, फिलीपींस पे हैं। प्रेसिडेंट इसके कौन है, दैट इज़ मस्तुगो अस्कावा जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, बस इनको आपका नाम याद रखना है, थोड़ा सा नाम है, बड़ा नाम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 62, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, दैट इज ब्रेटली। ब्रेटली जो है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर रह चुके हैं, तो इनको अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा का जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, हु हैज़ मेड जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल विद 101 होप्स ओवर ए रूलर इन 30 seconds, ठीक है। तो 101 वन लैग होप ओवर ए रूलर 30 seconds में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले 1 leg पे उनका नाम पूछा गया, क्या नाम है दोस्तों उनका, तो उनका नाम है सोनम मुखर्जी। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अल्ट्रा वायलेंट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट नेम शुद्ध टू मेक द सराउंडिंग कोविड फ्री। तो किस
आईआईटी ने अभी अल्ट्रा वायलेंट यानी यूवी सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट जिसका नाम शुद्ध है, नाम याद रख लेना, नाम भूलना मत, शुद्ध, राइट, शुद्ध है टू मेक सराउंडिंग कोविड फ्री बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राइट इज ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्या है, दैट इज़ आईआईटी कानपुर, तो कानपुर के द्वारा ये चीज़ बनाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से बुक पे आ गई। हु ऑथर द बुक टाइटल इफ़ इट ब्लीड्स के बुक का ऑथर, उनका नाम पूछा गया है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्टेफन किंग जो हैं इस बुक के ऑथर हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वट इज़ द रीब्रांडेड नेम ऑफ गूगल प्लस, गूगल प्लस का रीब्रांडेड नेम क्या है, विच वॉज रीलॉन्च्ड रिसेंटली, उसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गूगल करंट उसका सही उत्तर है, ये आपको नाम याद रखना है। विच स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत, तो भारत की मतलब स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हाई कोर्ट को ऑर्गेनाइज किया है और भारत की वो फर्स्ट ई लोक अदालत बनी है, तो वो कौन सी स्टेट है भाई, उस स्टेट का जो नाम है ना दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का स्टैटिक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, तो 68 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारे 68 क्वेश्चन है वो है ली हिसिंग लॉन्ग, क्या नाम बोला मैंने, ली हिसिंग लॉन्ग, ये अभी रिसेंटली पीएम बने हैं, कौन सी कंट्री की आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है ना दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। तो सिंगापुर की ये हाल ही में पीएम बने हैं ली हिसिंग लॉन्ग, तो आपको नाम याद रखना है और कहाँ के पॉइंट हुए वो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं, कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है अपस्टार 6D, उसका नाम है और ये एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना, चाइना के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं दोस्तों, हु ऑथर द बुक टाइटल अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो किसने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, एक अच्छी बुक है, तो किसके द्वारा ये लिखी गई है, इसका सही उत्तर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये बुक लिखी गई है और इसको पब्लिश किया गया है पफिन बुक्स के द्वारा, राइट, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, विच स्टेट साइंड MOU विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट द आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर, तो किस स्टेट ने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है फ्लिपकार्ट के साथ साइन अप किया है ताकि वो आर्ट क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट कर सके, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट के द्वारा ये हाल ही में ये लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हु ऑथर द बुक टाइटल हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, तो बेसिकली एक बायोग्राफी है दोस्तों जो कि एक मतलब 14th दलाई लामा थे उस पे बेस्ड है, जिनका नाम था तेंजिन गायत्सो, ठीक है, उनका मैं नाम लिख देता हूँ, दैट इज नाम लिखा मेंशन होगा, रुको एक मिनट, हाँ तेंजिन गायत्सो ये नाम लिखा है उनका, ठीक है, तो ये 14th दलाई लामा थे जिनकी ये बायोग्राफी है, तो ये मतलब इससे पूछा गया कि किसने इसको लिखा है, तो इसका ये सही उत्तर होगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तेंजिन गायत्सी तेथोंग, राइट, तेंजिन गायत्सी तेथोंग के द्वारा ये लिखी गई है बुक और इसको पब्लिश किया गया है रोली बुक्स के द्वारा, ठीक है, रोली बुक्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया और ये बुक रिलीज होगी अक्टूबर 2020 में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज का 73 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम बिलुंग विलेज आफ्टर पॉपुलर फोक सॉन्ग रंगावती, तो एक पॉपुलर फोक सॉन्ग था जिसका नाम था रंगावती और विलेज का नाम था बिलुंग विलेज, उसको रीनेम कर दिया गया है, तो कौन सी स्टेट में पड़ता है ये बिलुंग विलेज आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ओडिशा, ओडिशा के बारे में पहले डिस्कस कर चुके स्टैटिक पॉइंट, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट नहीं लिए हैं, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हाल ही में MD और CEO अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम पूछा गया दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नवीन तहलियानी जो है MD और CEO अपॉइंट हुए हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली दोस्तों जितने भी हम यहाँ पे इस वीडियो में लेके आ रहे हैं, मंथली का मतलब यही होता है, रेगुलर हम 15 क्वेश्चन देते हैं, अगर उस हिसाब से मंथली देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, 450 के नियर अबाउट क्वेश्चन बनते हैं, राइट, बट मंथली क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे ही आएंगे, तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं को लेके हुए हम ये क्वेश्चन जो है डिज़ाइन करते हैं, राइट, तो ये क्वेश्चन आप पक्का ज़रूर देखिए, राइट,
लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के 75th क्वेश्चन जो है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के अभी सीईओ अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम पूछा गया है, तो उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है दोस्तों आलोक मिश्रा। तो आलोक मिश्रा जी अभी रिसेंटली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो का क्या करना है, जल्दी से हिट कर दो, लाइक कर दो, शेयर तो करना ही करना है दोस्तों आपको अपने दोस्तों में, ठीक है? इतना काम तो कर ही सकते हो आप लोग। और अगर चैनल पर नहीं हो, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको जल्दी से प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो आए और आप उसकी अपडेट मिस ना कर पाएं, और जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को एनहेंस करें, ठीक है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, तो प्लीज़ शेयर तो पक्का करना है, ठीक है? चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।